अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को वयोश्रेष्ठ सम्मान 2016 से सम्मानित किया। ये सम्मान देश के विभिन्न संस्थाओं में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 1991-92 में एक प्रस्ताव पारित कर वृद्धजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। I am happy that in 1990, United Nations Organization thought it appropriate to declare a particular day as the International Day of Olders to focus the attention of the community. United Nations passed series of resolutions 1991, 1992, and they gave a call to create a society which will be society for all ages. और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी भौतिकवाद और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, जिस कारण वृद्धजनों को जो सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए वो कानून होने के बावजूद नहीं मिल पा रही है। थावरचंद गहलोत ने जोर देकर कहा कि भारतीय संस्कृति को अपना कर ही वृद्धजनों को समाज में सम्मान मिल सकता है। तो वर्तमान पीढ़ी भौतिकवादी होकर के पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगी है, इस कारण से भारत में वृद्धजनों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, कानून होने के बाद भी उसमें कमी आती जा रही है। आवश्यकता है हमको हमारी संस्कृति का ज्ञान करके, अध्ययन करके वृद्धजनों के प्रति जो सम्मान के भाव हमारे होना चाहिए वो उन्हें देने की।